नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां मुसरीगरारी थाना क्षेत्र के अलताचौड़ में संचालित एक निजी क्लिनिक के डॉक्टर का लिंग काटने वाली लड़की व आरोपित डॉक्टर दोनों शुक्रवार 13 सितंबर को मीडिया के सामने आ गए तथा अपनी अपनी कहानी सुनाई, जिसके बाद इस मामले में नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। मीडिया को जानकारी देते हुए उक्त युवती ने बताया कि वे संजय कुमार संजू नाम के डॉक्टर के RBS हेल्थ केयर सेंटर नामक क्लिनिक में विगत 1.5 वर्षों से काम कर रही थी, साथ ही वह सदर अस्पताल में भी गार्ड के रूप में काम करती थी। घटना तिथि बुधवार 11 सितंबर की रात, उक्त हॉस्पिटल में कोई मरीज नहीं था, वह अकेली ही उस अस्पताल के एक रूम में सोई हुई थी। रात के करीब 9 बजे RBS हेल्थ केयर सेंटर के डॉक्टर संजय कुमार संजू अपने दो अन्य साथियों के साथ क्लिनिक पर आए और अपने रूम में चले गए। कुछ देर बाद ही वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनके साथ छेड़खानी करने लगे। पहले तो उन्होंने इसका विरोध किया तथा वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन अस्पताल का मेन गेट बंद होने के कारण वे भाग नहीं पाई, जिसके बाद वे भी डॉक्टर संजय कुमार संजू की बात मानने को तैयार हो गई तथा डॉक्टर के साथ एक रूम में चली गई तथा कुछ देर बाद 5 मिनट जाने का बहाना बनाकर बाहर निकली तथा काउंटर पर से BP ब्लेड लेकर अंदर गई और डॉक्टर का लिंग काट दी तथा वहां से भाग निकली। भागते समय उन्होंने डॉक्टर संजय कुमार संजू का भी मोबाइल लेकर भाग निकली। इस दौरान डॉक्टर के दोनों साथियों ने उनका पीछा भी किया, लेकिन वे उन दोनों के पकड़ से काफी दूर जा चुकी थी, जिसके बाद वह भागते भागते वे एक जनेरा के खेत में जाकर छिप गई तथा वहीं से डायल नंबर 112 को घटना के बारे में सूचना दी। सूचना मिलने के कुछ देर बाद RBS हेल्थ के सेंटर पहुंची पुलिस ने पहले तो उसे जनेरा के खेत से बाहर निकाला तथा बाद में RBS हेल्थ केयर सेंटर से डॉक्टर संजय कुमार संजू को उनके दोनों साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपित डॉक्टर संजय कुमार संजू का बताना है कि यह घटना राजनीति से प्रेरित होकर की गई है। बहुत दिनों से कुछ स्थानीय गुंडे व शराब माफिया गलत कामों में उनके क्लिनिक का इस्तेमाल गलत करना चाहते थे, जिसका वह हमेशा विरोध करना करते थे, जिसका नतीजा है कि आज उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। उनके साथ जिन दो लड़कों को जेल भेजा जा रहा है, उन दोनों लड़कों को भी उस लड़की ने ही तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर बुलाया था और रात को इसके ऊपर भी झूठा इल्जाम लगा दी। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मैं अकेली थी तो अपने जान बचाने के लिए तो मैं कुछ कर सकती थी ना, तो मैं डर के मारे उनके साथ उस समय राजी हुई। जब उन्होंने मुझे रूम में ले गए तो मैं बहाने से मैं बाहर आई 5 मिनट के लिए, और मैं 5 मिनट के लिए बाहर आकर के मैंने OT में से मैं ऑपरेशन BP ब्लड ले गई थी और मैंने गुस्से में आकर उसी समय मैंने लिंक काट दी। और जब उस समय मैं लिंक काटी, जब उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ गलत करो, तब जाकर मैंने उनका लिंक काटी। जब मैंने उसका लिंक काट दिया, वो तो गेट मेन गेट में ताला लगा हुआ था। जब ये दोनों लड़का उसको पकड़ने लगा, तब तक मैंने धरफर में मेन गेट खोली और मैंने डॉक्टर का भी मोबाइल लेकर के और मैं अपना मोबाइल लेकर के भी भागी। अगर मैं उसका मोबाइल उसके पास होता तो वो उसके साथ 10 क्रिमिनल्स रहते हैं, हो सकता है मुझे मार के फेंक देता। और इसीलिए वो धमकी भी दिया था, तो मैंने उसका फ़ोन लेकर के झाड़ी में फेंक दी और झाड़ी में फेंकने के बाद मैं भाग परी। मेरे पास दो लड़का जो था वो पीछा पड़ा मेरा फ़ोन छीनने के लिए, लेकिन मैं उस समय तक मैंने झाड़ी बहुत दूर तक अंधेरे में चली गई। उसने गाड़ी से भी रगेदा मुझे, लेकिन मैं एक गड्ढे में कूद गई और गड्ढे में कूदने के बाद मैं पास के खेत में, जनेरा के खेत था उसमें मैं जाकर बैठी हुई थी और मैं वहीं से 112 पे कॉल की। मैं वहाँ 1.5 साल से ऊपर से कर रही हूँ, 17 महीना से। डॉक्टर MBBS नहीं, फर्जी डॉक्टर, उसके पास कोई नहीं है, डिग्री नहीं, लाइसेंस हॉस्पिटल का नहीं, और वो डॉक्टरी मतलब कॉलिंग पर डॉक्टरी करता है, हर जगह जा करके ऑपरेशन करता है। मैं महिला में भी अकेली और जेंट्स भी वहाँ कोई नहीं रहता, कोई नहीं, पेशेंट भी नहीं। दारू शराब पीने वाले लोग को आना जाना होता है और बैठ के एक रूम में दारू पिया जाता है। नहीं, पदाधिकारी नहीं आते, नहीं आते।
पहले था उसको हटा दिया गया। एक लेडीज भी थी मतलब झाड़ू पोछा लगाने वाली, उसको आज में ही मतलब मार्च फरवरी मार्च साल में ही उसको हटा दिया गया, उसको चोरी का लालसा लगा कर। कोई आदमी ही वहाँ पर मुझे भेजे थे। आप नर्सिंग की हुई? नहीं, मैं नर्सिंग की हुई नहीं, मैं गार्ड के काम करती थी पहले सदर अस्पताल। और उसके वहाँ पर मैं यहाँ से गार्ड के काम करने के बाद जो समय बचता था 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद, उसके बाद मैं वहीं रहती थी। मामला कुछ नहीं है, कहा ना मैंने, ये राजनीतिक षड्यंत्र का ये सब हिस्सा है और कहीं न कहीं से कुछ न कुछ गाइडलाइन हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे लिए दुश्मनी करते आए हैं, कई बार मेरे नाम की सुपारी भी उछाली गई है इसी समस्तीपुर में। 2017 से मुझको मारने का भी प्रयास किया गया है, चूँकि मैं एक राजनीति से जुड़ा, हिंदूवादी राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ। नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन प्रशासन को सब समय समय पर मालूम चलते रहा है। एक बार मेरे ऊपर हमला भी हुआ था, जो दलसिंह साय से लेकर के बछवाड़ा तक मेरे ऊपर गोली भी चलाई गई थी। वही महिला 1.5 साल से कह रही है जो मैं वहाँ पर था, आज तक मेरे साथ कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन उसके बारे में जब मैंने कई सारी जानकारियाँ मुझे मिली गलत गलत चीज़ों का, तो मैंने उसे अल्टीमेटम दिया अपने यहाँ से निकलने का। और जिस दिन ये घटना हुआ उसके एक दिन पहले मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया था और मैंने उसे डांटा दबारा, और उसी गुस्से में मैं वहाँ से निकला और सीधे निकल गया मैं जनकपुर। और जनकपुर से रात को कल होकर के रात को मैं लौट करके आया हूँ, सोया हूँ, थका मांदा सोया हूँ, मेरे साथ ये घटना घटी। अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करेगा ना, अपने आप को, चूँकि मैंने एक दिन पहले उसको रंगे हाथ पकड़ लिया था। अच्छा। ठीक है, तो अपने आप को बचाने के लिए उसने मुझी को आरोपित बना दिया। बात इतना सी सा है, और जांच किया जाए हर एक बिंदु पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। मैं अगर सही हूँ तो मुझे कोई डर नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। हाँ, लाइसेंसी बंदूक भी है मेरे पास। ठीक है, और कई हथियार आपने देखा होगा जो मेरे सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे, कार्बाइन वगैरह के साथ भी आपने देखा होगा, मेरे सिक्योरिटी गार्ड का था मैं। और हम लोग हिंदू महासभा से कार्य किए, मेरे पीछे आज से कोई साजिश नहीं हो रही है, 2017 से साजिश हो रही है प्रशासन से। मैं प्रशासन से और कोर्ट से मैं यही कहूँगा जो कुछ नहीं, बस निष्पक्ष जांच हो सच्चाई ढंग से, जो जो मुख्य बिंदु है उस पर सच्चाई ढंग से जांच हो। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, ताकि कल के दिन में जो आज मेरे ऊपर आरोप लगा वो दुनिया फिर जाने जो कि ये आरोप सही था या गलत था। ये दोनों मेरे शिष्य हैं, और ये लोग अपना घर पर था, उसी स्टाफ ने इसको फ़ोन करके बुलाया जो कि गुरुजी की तबीयत ख़राब है सो जल्दी आइए, तो ये लोग भागा भागा आया है। स्टाफ के रूप में थी, पहले वो सदर हॉस्पिटल में काम करती थी, उसके बाद डीएमई भी में काम करती थी और पार्ट टाइम मेरे यहाँ काम करती थी। यहाँ के ड्यूटी के बाद वो मेरे यहाँ काम करती थी एज ए स्वीपर। उससे फ़ायदा उसको ये था, 3,000 रुपया महीना में देता था, उसको रहने का मकान फ्री मिल गया था और वो भोजन मेरे लिए बना देता था, तो हम भी खा लेते थे, वो भी अपना मुफ्त का खाता था, बस इतनी सी बात। मुसरीघराई थाना में 112 के माध्यम से एक पीड़िता के द्वारा फोन किया गया कि उसके साथ कुछ अप्रिय घटना घटी है और वह अपने बचाव में एक जगह छिपी हुई है। तत्काल थाना अध्यक्ष मुसरीघरारी फैजुल अंसारी के द्वारा महिला के फोन पर संज्ञान लिया गया और सबसे पहले एक जनेर के खेत से महिला को जो छिपी हुई थी उसको पूछताछ किया गया। 3 लड़के डॉक्टर सहित 2 अन्य लड़के शराब पीते हैं और शराब पीने के दौरान बाद उस जो उसकी स्टाफ थी उसका सेंटर केयर सेंटर की उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। तत्काल पीड़िता द्वारा सूझबूझ से काम ली जाती है और पहले बचने का प्रयास किए करती है, लेकिन जब देखती है कि बचाव नहीं हो पाता है तो बचाव के क्रम में वो पीड़िता के द्वारा उसके लिंग पर अटैक किया जाता है एक ब्लेड से, जिससे वो जख्मी, जो डॉक्टर है तथाकथित डॉक्टर हैं वो जख्मी हो जाते हैं। जो लिंग जिनका डॉक्टर साहब डॉक्टर का कटा था उनका इलाज किया गया है सदर अस्पताल में। तो अपराध की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए जो त्वरित रूप से कार्रवाई की गई है वो हमारी टीम के द्वारा सराहनीय काम की गई।